हेलो गाइस, मेरा नाम है जयदीप जाट और मैं आपको आगरा मेट्रो का अपडेट देने जा रहा हूँ। सेम इंडिया बिल्ट वेल तो वाकई काबिले तारीफ काम कर रही है। सेम इंडिया बिल्ट वेल फतेहाबाद रोड पे तो सारे पाइल पूरी कर चुकी है, अब बस खाली साइड पेड़ों के लिए और यार्ड में जाने के लिए पाइल कर रही है छेरिंग मशीनों के साथ। UPMRC इतना फास्ट काम करेगी मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। कानपुर के बराबर ही फास्ट काम चल रहा है आगरा में भी। जब हम तब यहाँ पे जाल नहीं लगे हुए थे, अब जाल भी लगा दिए हैं यहाँ पे। अभी तीन चार दिन हुए हैं, तीन चार दिन में ही बहुत काम कर लिया है इन्होंने UPMRC ने। गाइस, मुझे इतना अनुभव नहीं है रिकॉर्डिंग करने का, थोड़ा गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। अभी मेरे पहले व्लॉग को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए शुक्रिया। ये UPMRC के लोग काम करते हुए सेम इंडिया बेल्ट वेल के काम को तो मानना पड़ेगा। वैसे पटना मेट्रो, इंदौर मेट्रो इनसे बहुत फास्ट काम कर रही है। और इसी स्पीड से काम चलता रहा तो ये अपनी डेडलाइन से पहले काम समाप्त कर लेगी UPMRC। अभी आपको मैं कास्टिंग यार्ड लेके चल रहा हूँ, कास्टिंग यार्ड दिखा के लाऊंगा आपको, वहाँ देखते हैं अभी क्या क्या हुआ। ये सेम इंडिया बिल्ट वेल के वर्कर काम करते हुए ये जून के एंड तक या जुलाई में पियर कैप भी रख जाए शायद इन पर। तो बात करनी है, ये UPMRC के लोग काम करते हुए काम बड़े जोर पे चल रहा है। इतनी उम्मीद नहीं थी वैसे, मगर उससे बहुत आगे काम चल रहा है।
कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड स्टेशनों के टेंडर निकलने वाले हैं। और नवंबर तक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों के वर्किंग चालू हो जाएगी। नवंबर या दिसंबर तक सिविल वर्क अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को शुरू हो जाएगा। अब चलो कास्टिंग यार देख के आते हैं। अभी भाइयों मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इच्छा और छह पियर कैप और तीन यू गट बन चुके हैं यहाँ पे कास्टिंग यार्ड में। और पायलों के लिए ये जाल बांधने का काम चल रहा है यहाँ पे। ये हमारा ताज ईस्ट गेट है। साइड पिलरों के जाल बन चुके हैं। जून के अंत तक या जुलाई में पियर कैप भी रखना स्टार्ट हो जाएगा इन पिलर्स पर। इस शाम के टाइम कितना अच्छा रोड लग रहा है। मेट्रो आने के बाद तो और ही अच्छा लगेगा। चौबीस घंटे UPMRC काम करती है। 24 घंटे 7 डे बिल्ट वेल काम करती है मेट्रो का। और ये साइड पिलर के लिए जाल बांध दिए गए हैं। ये बस स्टेशन है हमारा। फतेहाबाद रोड की तो रौनक ही अलग हो गई है। ये वीडियो मैं अच्छी नहीं बना पाया गाइस, माफ कर देना। अब बस अंडरग्राउंड स्टेशनों के सिविल वर्क का इंतजार है। मेरे आगरा के सभी भाई इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं कब तक टेंडर निकलेंगे। भाइयों बस आपका इंतजार खत्म होने वाला है।
अंडरग्राउंड स्टेशनों के टेंडर होने वाले हैं। जाल तो फतेहाबाद रोड पे लगभग सारे लग चुके हैं। और इसी स्पीड से काम चलता रहा तो अपने समय सीमा तक काम पूरा कर लेगी UPMRC। और यहाँ ट्रैफिक लग गया, जाम लग चुका है, जाम में फंस चुके हैं हम। मेरे सब्सक्राइबर भाई आदित्य शर्मा, देव सिंह और जितेंद्र, इनने मुझसे बोला था कि और वीडियो बनाइए आप, तो कोशिश तो कर रहा हूँ भाइयों। मैं अभी धीरे धीरे और सीख जाऊंगा मैं कैसे बनाया जाता है वीडियो। मेरे को अभी अच्छे से नहीं आता है वीडियो बनाना। जबकि मेरा पिछला व्लॉग इतना अच्छा नहीं था, फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को। और जो गलती मैं किया करूं वो सीधे कमेंट में बताया करें आप मुझे, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे को बोलने में भी थोड़ी झिझक लगती है। अभी मैंने आप लोगों के लिए माइक मंगाया था मगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारे आगरा मेट्रो का यार्ड है, पेंट का काम चल रहा है इस पर, थोड़ा बहुत रह गया बस पेंट का काम। लगभग पेंट का काम भी हो चुका है, बैरिकेडिंग कुछ हटा ली गई है। भाइयों कानपुर में जितना फास्ट चल रहा था हमारे आगरा में भी उसी स्पीड से काम किया जा रहा है मेट्रो का। अब शाम हो चुकी है तो शायद पिक्चर इतना क्लियर ना आए। वैसे भी प्यार देना अपना, और जो कमी हुआ करे वो
बताया करें मुझे, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा।